नारी सम्मान व अस्मिता की रक्षा के लिए मतदान करेंगे कोराओं के मतदाता आदित्य ठाकरे। कोराओं के मतदाताओं को महाराष्ट्र में मिलेगा रोजगार, एकनाथ शिंदे। अवसर मिला तो कोराओं में बहेगी विकास की गंगा, आरती कोल। कोराओं प्रयागराज विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित 265 कोराओं सुरक्षित सीट पर 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने अपने समर्थित प्रत्याशी को जीत दर्ज कराने के लिए ताकत झोंक दी है। कोराओं से भारतीय जनता पार्टी ने आरती कोल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सप्ताह भर प्रचार प्रसार करने के बाद टिकट काटकर पुनः विधायक राजमणि कोल को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आहत आरती कोल ने शिवसेना का दामन थामा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने विधानसभा क्षेत्र विधानसभा कोराओं क्षेत्र के शिवजी यावन इंटर कॉलेज लेडियारी के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोराओं विधानसभा सीट पर लड़ाई नारी के सम्मान व अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ी जा रही है। कोराओं के मतदाता नारी अस्मिता की रक्षा के लिए शिवसेना के चुनाव निशान धनुष बाण पर मतदान करने का काम करेंगे और आरती कोल के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। शिवसेना के समर्थित प्रत्याशी आरती कोल जनसभा में आए हुए सभी क्षेत्रीय मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक एक मत का कर्ज यहाँ की जनता का सर्वांगीण विकास करके चुकाने का कार्य करूंगी। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट टीवी इंडिया 18 के लिए। आज इस पांचवें चरण में प्रयागराज का चुनाव होने वाला है और चुनाव की सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि गर्मी भी फीकी पड़ने लगी है। इसी क्रम में सभी पार्टियां पूरी जोर शोर से लगी हुई हैं, चाहे जो भी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य कोई पार्टियां हो, लेकिन आज प्रयागराज में कोराओं की सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पे शिवसेना पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। उसी क्रम में आज यहां पर उद्धव साहब ठाकरे का आज जनसभा लगी हुई थी जो कि 3 बजे की जनसभा लगी हुई थी और उनको आने में लेट हुआ, लेकिन पब्लिक थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। शाम 6 बज गए लेकिन पब्लिक हटने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य ठाकरे की एक झलक पाने के लिए बेकरार थी और जब आदित्य ठाकरे जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी प्रत्याशी यहाँ से जीतती है तो हम प्रयागराज के कोराओं को स्वर्ग बना देंगे और जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हम कोराओं में लाने का काम करेंगे। जो भी समस्याएँ कोराओं में होगी हम सभी समस्याओं को पूरी तरीके से प्रयास करके उससे निजात दिलाने का कोराओं वासियों को भरोसा दिलाते हैं। प्रयागराज से हिमांशु तिवारी TV18 इंडिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो सिर्फ जुमलाबाजी चली हुई है। एडवर्टाइजमेंट पेपर में अन्य राज्यों में आती है लेकिन यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। आप देखिए कई इंडस्ट्री या अस्पताल नहीं आए हैं या स्कूलें नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है लोगों को परिवर्तन चाहिए, वो परिवर्तन इस बार होगा। मुझे लगता है ये सारी राजनीतिक बातें हैं, जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है तो ये सारी सेंट्रल एजेंसीज भाजपा की काम करने लगते हैं और वो ये बात है।